फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। मुझे एक चीज का आंसर दो, पेपर में बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन। सपोज करो आपके पास एक मैग्नेटिक, ये लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, बोर्ड के इनसाइड है, ये लो बोर्ड के इनसाइड है, और सपोज करो ये मैंने एक कोई भी एक वायर ले ली, टेढ़ी मेढ़ी वायर है, अब मैंने इसमें करंट पास कर दिया आई क्लॉकवाइज, इस वायर की शेप एक्वायर क्या होगी, ये क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर में, क्या शेप एक्वायर करेगी ये, सर्कल ओके, ये एक्सपैंड होगी या कंप्रेस होगी, पहला क्वेश्चन चेक करें। फ्लेमिंग से पूछना पड़ेगा, फ्लेमिंग क्या कहता है, अगर आप इसका एक एलिमेंट ले लें, फ्लेमिंग का रूल लगाओ, फोर्स कहाँ पर, बी कहाँ पर है, बोर्ड के इनसाइड, करंट कहाँ पर है, ये रहा, फोर्स कहाँ लगेगी, बाहर, तो इसके परपेंडिकुलर बाहर, तो फोर्स यहाँ लगेगी, जो भी लगेगी, बी आई एल, चलो तुम यहाँ ले लो, करंट यहाँ आ रहा है, बी कैसे है, बोर्ड के अंदर, करंट कैसे है, मेरी तरफ, फोर्स कहाँ पर है, बाहर, तुम जो मर्जी एलिमेंट ले लो, फोर्स हमेशा कहाँ देखोगे, कहाँ लग रही है, आउटसाइड, एलिमेंट लेते जाओ, डीएल डीएल बता रहा हूं, तो हर पहले एलिमेंट की बात करते हैं, हर एलिमेंट बाहर की तरफ चला जाएगा और ये शेप क्या एक्वायर कर लेगा, एक सर्कल, हाँ नेट फोर्स पूरे सर्कल पे जीरो है, इसके पार्ट पे जीरो नहीं है, तो आंसर क्या ऑब्जेक्टिव मार्क करेंगे, आंसर इज सर्कल, ठीक है। और वो ये भी पूछ सकता है कि क्या ये एक्सपैंड करेगा या कंप्रेस करेगा, अब सोचो अगर मैं उल्टा काम कर दूं, इसके अंदर मैंने करंट को ऑपोजिट कर देना है, अब तो करंट की वैल्यू ये लो आई, अब ये क्या करेगा, कंप्रेस की एक्सपैंड, तुम ये लो, ये एलिमेंट ले लो, ये एलिमेंट ले लो, बी बोर्ड के अंदर है, करंट ऐसे है तो फोर्स कैसे है टुवर्ड सेंटर, तो फिर ये एक्सपैंड कैसे होगा, अब ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाए, स्टार्ट हो जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन कैसे सोचना है। फिर एक क्वेश्चन आएगा, मेरे संडे के टेस्ट में कभी ना कभी जरूर आएगा, और बहुत लोग गलत भी करके आएंगे, सुन लो, अगर याद रख सकते हो तो याद रख लेना, आपको एक स्प्रिंग दिया जाएगा, वो कहेगा स्प्रिंग में करंट घुमा दिया गोल 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 गोल, बोलो स्प्रिंग एक्सपैंड होगा कि कंप्रेस होगा, एक स्प्रिंग के अंदर करंट घूम रहा है, एक्सपैंड होगा कि कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि टू वायर्स आर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, लूप के अंदर करंट सेम घूमेगा, देखो ऐसे, तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट है, दे विल अट्रैक्ट, ईच द वायर्स अट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये कंप्रेस आंसर मार्क करके आना, समझ में आ रहा है, क्योंकि हर लूप में करंट की डायरेक्शन सेम होने वाली है, और पैरेलल करंट जो होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर कंप्रेस लिखना है, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो हुआ क्या, इस क्वेश्चन के अंदर एक वायर है और वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ी हुई है, और सेम केस है, वो यही बता रहा है कि एक वायर है हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ी हुई है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, मैंने इसमें करंट पास किया क्लॉकवाइज, गिवन है क्लॉकवाइज, वो पूछ रहा है कि बताओ इसकी शेप क्या है, तो आंसर क्या होगा, सर्कल, सर्कल, तो थोड़ी देर के बाद ये सर्कुलर वायर बन जाएगी जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है कुछ ऐसे, वो कहेगा ये वायर खिंच जाएगी क्योंकि आउटवर्ड फोर्स है, ये टाइट हो जाएगी, बताओ इसके अंदर वायर के अंदर टेंशन की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। अब ये खिंच गई तो सर्कुलर वायर में टेंशन क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो मेरे को क्या करना है, मुझे टेंशन निकालने के लिए इसको, अगर मुझे टेंशन निकालनी है तो ये एक लूप है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि मैंने बताया बोर्ड के अंदर है, ऐसे है, तो मैं इसमें एक एलिमेंट लूंगा, इसका मैंने ये एलिमेंट ले लिया, लेना तो बहुत छोटा है, दिखाया मैंने बड़ा है, और ये एलिमेंट क्या लिया मैंने, डीएल ले लिया, इस डीएल ने, इस डीएल के अंदर करंट क्लॉकवाइज गिवन है आई, तो ये फोर्स कहां एक्सपीरियंस करेगा, बाहर की तरफ, कितना, बी आई डीएल साइन ऑफ 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक। अब इसमें जो टेंशन है वो तो एक वेक्टर है, तो यहां पे टेंशन क्या होगा, टी एन टी टेंजेंशियल, ऐसे टी एन टी टेंजेंशियल होगा, तो मैं इस एलिमेंट से इसके सेंटर पे एक डायग्राम बनाने वाला हूं कुछ ऐसा, सच दैट
ये जो टोटल एंगल है ये एल्फा है, तो आधा आधा एंगल क्या होगा, एल्फा बाई टू एंड एल्फा बाई टू ऐसे, ठीक। और इसमें मैं यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ करने वाला हूँ, जैसे एक एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये एक्सिस तो वाई एक्सिस है ही, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक्सिस वाई एक्सिस है। तो इसके अंदर अगर ये अल्फा बाई टू है तो ये भी अल्फा बाई टू ऑल्टरनेट एंगल है, रेडियस टेंजेंट 90 पे है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा बाई टू है, ये और ये 90 पे है तो ये एंगल अल्फा बाई टू है। तो बाय ज्योमेट्री ये ऑल्टरनेट 90 माइनस अल्फा बाई टू, ये 90 डिग्री तो अल्फा बाई टू। तो इन शॉर्ट ये कुछ करना नहीं है आपने, इन शॉर्ट डायग्राम ऐसा है, ये पूरा सर्कल था पर मैंने सर्कल नहीं ड्रॉ किया, उसका एक आर्क ड्रॉ किया डीएल, इसने सेंटर पे एंगल अल्फा बनाया, अल्फा बाय टू हुआ, टेंशन टेंजेंशियल है, वाई और एक्स एक्सिस है, अगर ये अल्फा बाय टू तो ये अल्फा बाय टू है, टेंशन के दो कंपोनेंट्स हैं टी कॉस अल्फा बाय टू टी साइन अल्फा बाय टू, और वैसे ही यहाँ पे कॉस कंपोनेंट आपस में क्या कर जाएगा कैंसल, और नेट फोर्स टेंशन की नीचे काम करेगी टी साइन अल्फा बाय टू एंड टी साइन अल्फा बाय टू। तो नीचे की तरफ फोर्स क्या है 2t sin alpha by 2 और ऊपर की तरफ क्या है BIDL, थोड़ी देर के बाद ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी वायर, अभी ना बड़ी छोटी होगी, तो ऊपर और नीचे की फोर्स को इक्वेट कर लिया। जब इक्वेट किया क्योंकि एलिमेंट बहुत छोटा है एंगल बहुत छोटा है, और मैथ्स में अगर एंगल छोटा है sin ऑफ अल्फा बाय 2 कैन बी रिटन एज जस्ट अल्फा बाय 2, 2 से 2 कट गया, टेंशन की वैल्यू आ गई। अब ये लास्ट स्टेप है, इस पूरे सेक्टर में टोटल एंगल अल्फा, आर्क क्या है डीएल, रेडियस क्या है आर, तो आर्क एंगल अल्फा इज आर्क बाय रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू डीएल बाय अल्फा, तो यहां पे डीएल बाय अल्फा की जगह क्या पुट किया आर। तुम्हारे पास जब ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास ना इतना वक्त नहीं है वहां पे तुम ये एंगल्स बनाओ, तुम्हें भी पता है और मेरे को भी पता है, तो फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है BIR, आपको 10 ऑब्जेक्टिव में सीधा मार्क करने को आएगा। तो लिख लो, अगर एक वायर है और मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो, अगर ये एक वायर है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है और इसका रेडियस आर है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, करंट आई है, तो लिख लो टेंशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड है BIR। आज के बाद ये थ्योरी या ये न्यूमेरिकल का प्रूफ नहीं पढ़ना, टी इज इक्वल टू BIR मार्क कर देना है। तो मैंने बताना है ना, आप पूछोगे ऐसा क्यों आया, तो मेरा बताना बनता है एक बार ये ऐसा करके निकाला, पर तुम्हें जरूरत नहीं है करने की, तुम सीधा आंसर मार्क कर सकते हो, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर मेंस और नीट में देखेंगे तो भी स्टैंडर्ड आया होगा कहीं ना कहीं, टेंशन इज इक्वल टू BIR। वो इसका फॉर्म चेंज कर सकता है क्वेश्चन का, वो तुम्हें पूरे रिंग की लेंथ दे सकता है एल, आर ना देते हुए एल दे देगा, तो कोई बात नहीं, तो एल क्या होगा 2πr, तो तुम आर की जगह क्या पुट कर सकते हो एल अपॉन 2π, वो तुम्हारी मर्जी है, लेंथ से रेडियस तो निकल ही सकता है, तुम्हें सर्कमफेरेंस दे देगा वहां से रेडियस निकाल लेना, उस रेडियस को यहां पुट कर लेना आंसर, पर ये लिखने की जरूरत नहीं ना, तुम ये फॉर्मूला यूज करो, रेडियस नहीं गिवन होगा तो रेडियस निकालने का कोई तो हिंट दिया ही होगा, पहला फॉर्मूला क्लियर है। तो टी इज इक्वल टू BIR, ठीक, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, देखो मैं ऐसे इमोशनल होकर कहूँ नहीं नहीं तुम्हें आने चाहिए, तुम अल्फा बाय टू अल्फा ड्रॉ करो, ये करो वो करो, और जिस दिन तुम्हें क्वेश्चन आ गया ना, सबसे पहले कंप्यूटर की स्क्रीन में क्लिक नेक्स्ट, बाद में देखेंगे इसे क्या करना है, कौन बनाता है डीएल, कोई ना बना रहा डीएल, पहले बंदा आसान क्वेश्चन ढूंढता है, तो मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, मतलब मेरे को तो याद पड़ा ये क्वेश्चन, तो टी इज इक्वल टू BIR से आज तक मेरे को ये खोलने की जरूरत नहीं पड़ी न्यूमेरिकल, टी इज इक्वल टू BIR से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे सॉल्व हो गए। चलो तो फॉर्मूला नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके पास ये एक वायर है I1 और इसके सामने एक और वायर पड़ी हुई है, पर वायर ना थोड़ी मोटी है, देख रहे हो बी लेंथ की वायर है, इसमें करंट I1 है इसमें करंट I2 है, मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है इन दोनों वायर्स की क्या होगी। अब एक प्रॉब्लम है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला मैंने वो करवाया हुआ है, म्यू नॉट बाय 4π 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या लूँ, ये तो मोटी वायर है, और हमने जो एक्सप्रेशन किया हुआ है वो 2 थिन वायर्स का किया हुआ है, 2 पतली वायर्स का किया हुआ है, क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, तो हमने जो एक्सप्रेशन किया हुआ है
टू थिन वायर्स का किया हुआ है आई वन आई टू, लेकिन ये एक मोटी वायर है आई टू, कोई डाउट इसमें? अब थिन वायर का रिजल्ट क्यों में आता है, तो क्यों ना ऐसा करें, इस मोटी वायर के अंदर से एक थिन वायर निकाल लो, इमेजिन कर लो, ये थिन वायर की दूरी इमेजिन करो कहां पे ली आपने एक्स, ये जो थिन वायर है इसके अंदर आपको करंट भी चाहिए होगा, वो आई टू तो होगा नहीं, आई टू तो टोटल करंट है, और तुम्हें तो ये रेड कलर के अंदर वायर के अंदर करंट चाहिए जो छूटा होगा। इसके लिए तुम्हें इस पूरी वायर का लैम्डा गिवन है, लैम्डा का मतलब है करंट पासिंग पर यूनिट लेंथ, मतलब अगर जैसे इस पूरी वायर का करंट कितना है आई टू और कितनी चौड़ाई में पास कर रहा है बी, तो लैम्डा का मतलब आई टू अपॉन बी गिवन है, ठीक है यहां तक? तो तुम इस छोटी वायर का करंट निकाल सकते हो, कैसे? इस छोटी वायर की थिकनेस डीएक्स मार्क करो, असाइनमेंट में नहीं है, तो इसकी चौड़ाई आपने कितनी ली मार्क करो, डीएक्स है, एलिमेंट आपने एक्स दूरी पे लिया पर ये थिकनेस डीएक्स है, तो इसमें करंट क्या होगा, लैम्डा को डीएक्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि लैम्डा का मतलब क्या है, करंट अपॉन ये लेंथ, तो इस जैसे अगर इसका करंट निकालना है तो लैम्डा को बी से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा इनटू बी आई टू आ जाएगा, और अगर तुम्हें इसका करंट निकालना है तो लैम्डा को डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब तुम्हें ये डीआई करंट पता लग गया, इसमें कितना करंट है स्मॉल, अब तुम इसमें और इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि दोनों थिन वायर हो गई, म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई वन इंटू रेड कलर की वायर का करंट, और रेड कलर की वायर का करंट क्या, लैम्डा इंटू डीएक्स, तो यहां से लैम्डा की जगह पुट कर देते हैं जो गिवन है आई टू बाई बी, लैम्डा की जगह आई टू बाई बी, तो ये स्मॉल फोर्स आ गई, पर आपको तो पूरी वायर की फोर्स निकालनी है, पूरी वायर की फोर्स के लिए आपको एलिमेंट यहां से यहां तक लेने पड़ेंगे, तो जब आप वायर का लेफ्ट पोर्शन लेते हो तो एक्स की लिमिट क्या लगती है ए, और जब राइट पोर्शन लेते हो तो एक्स की लिमिट क्या लगती है ए प्लस बी, ए से लेके ए प्लस बी, तो देखो लिमिट देख रहे हो ए से लेके ए प्लस बी, मैथ्स में वन बाय एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होती है, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, एक बार एक्स की जगह लोअर लिमिट, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ऑब्जेक्टिव के अंदर ये ऑप्शन मार्क कर लेना, मेडिकल वाले अगर इतना नहीं कर सकते कम से कम इसका फॉर्मूला ही नोट कर लें, क्योंकि लॉग तो क्या ही करेंगे, कम से कम स्टैंडर्ड आंसर तो मार्क कर ही सकते हैं, तो घर जाके फॉर्मूला नोट कर लें, लॉग में तो क्या ही काम करोगे, पर अगर आ गया तो कम से कम स्टैंडर्ड आंसर तो है, मैथ वाले तो फिर भी कर लेंगे। ये मोटी वायर नहीं है, सिर्फ चपटी वायर है, ऐसे में है ऐसा ही है लैम्डा, इसलिए पता लैम्डा का मतलब आई टू बाई बी है और बी लेंथ ऐसे है, तो लैम्डा की डेफिनेशन ही वो बता रहा है आई टू डिवाइडेड बाई ये चौड़ाई है, पीछे की ले नहीं रहा, तो या तो लो मत या है नहीं, कुछ भी बोल दो, तो तुम्हें तो बस ये चाहिए, तो इसलिए डीएक्स के साथ आ गया ऐसे, ना ना सिलिंड्रिकल वायर नहीं है, चपटी वायर ऐसी है बस, ठीक है यहां तक? तो आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे ऑब्जेक्टिव का आंसर आएगा, जो लोग इस टाइप की प्रॉब्लम के साथ, देखो क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे ना ऐसे, तो उस टाइम हैंडल नहीं कर पाओगे, एनसीईआरटी के लिए नो है, ये बोर्ड में नहीं आएगा, ये लॉग का क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन बोर्ड वाले देते नहीं है, ये बात पक्की है, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट साथ बैठते हैं तो वो लोग लॉग तो करके नहीं आते, तो वो लोग अवॉइड करते, देते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो वायर्स गिवन है, एक आई वन और एक आई टू, और इसका मतलब है ये वायर क्रॉस नहीं है, इसके ऊपर से निकल रही है और ये ओरिजिन है। मैथ वाले लोग ऐसे समझेंगे, मैथ वालों को तो ऐसे ही देगा, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब लोकस निकालो, ऐसी पोजीशन निकालो जहां पर बी नेट जीरो आता है, तो मेडिकल वाले लोग समझ लें, लोकस तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे यहां पर जहां नेट भी जीरो होगा, जैसे उनमें से एक पॉइंट है पी, जिसका कोऑर्डिनेट मान लो एक्स कॉमा वाई है, अब पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई का मतलब ये दूरी एक्स है और ये दूरी वाई है, तो ये आई टू करंट थंब ऊपर बी कैसे लगाएगा, इनसाइड, ये करंट बी कैसे लगाएगा, आउटसाइड, तो जब इनसाइड और आउटसाइड बी कैंसल तो नेट भी जीरो, और ऐसा सिर्फ एक पॉइंट थोड़ी ना होगा, ऐसे तो कई पॉइंट्स हो सकते हैं,
मैं तो आर्बिट्ररी कोई भी पॉइंट ले लिया, तुम तो पता नहीं कहाँ कहाँ लेके कर सकते हो। तो मेडिकल के लोग समझें कि ऐसे कई पॉइंट आएंगे जहाँ पर नेट बी जीरो होगा, तो उनका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोमा वाई, तुम्हें उसका रिलेशन मार्क करना ऑब्जेक्टिव में, एक्स और वाई कैसे रिलेटेड है ऐसे। और मैथ में समझ में आ रहा होगा लोकस ऑफ पॉइंट्स निकालना है, मतलब एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है बेसिकली ये क्वेश्चन में के बाद। तो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, तुम इस आई टू की वजह से बी टू निकाल दो यहाँ पे, बोलो क्या होगा, इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई टू डिवाइडेड बाई एक्स, और इसकी वजह से आई वन की वजह से निकालो म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वन डिवाइडेड बाई वाई, और अगर आई वन आई टू का बी आपस में कैंसिल हो जाए तो नेट बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो तुम इसे इक्वेट कर लेना, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में एक्स और वाई का ऐसा कुछ रिलेशन गिवन होगा, मार्क कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे तुम कई एक्स पुट करोगे ऐसे कई वाई आ जाएंगे, इसी को तो बोलते हैं लोकस ऑफ पॉइंट्स। सही है यहां तक, पॉइंट्स को समझ में आ रहे हैं यहां तक, क्या लॉजिक है इसका, ऑब्जेक्टिव है सारे। जैसे ये क्वेश्चन किया हुआ है, इसके अंदर ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है लिखो, ये 25 सेंटीमीटर ऐसे है, और इस वायर का नाम है वाई, इस वायर का नाम क्या है, वाई, मिसिंग है इसमें, लिख लो। ऐसा क्वेश्चन तो आज हमने किया, कैसे, एनसीईआरटी टाइप ही तो है, थिन वायर्स हैं, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, ये दोनों करंट ऑपोजिट हैं, तो ये 30 एम्पियर 10 एम्पियर को क्या करने वाला है, रिपेल बाय अ फोर्स ऑफ एफ वन, क्योंकि करंट अगर ऑपोजिट है तो रिपल्शन मिलेगी। तो एफ वन फोर्स कितने सेंटीमीटर पे लगेगी, 25 सेंटीमीटर पे लगेगी, ये स्टेप क्लियर है, एफ वन फोर्स 25 पे लगेगी, तो एफ वन फोर्स 25 सेंटीमीटर पे लगेगी, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करें, 2 × 30 × 10 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻², इसको राइट साइड पे ले जाएं और एफ वन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ठीक है, यहाँ तक एफ वन आ गया। अब आपको क्या निकालना है इसमें, ये 20 और 10 ऑपोजिट है, तो ये 20 इसे क्या करेगा, रिपेल बाय अ फोर्स ऑफ एफ टू, तो एफ टू फोर्स भी 25 सेंटीमीटर पे लगेगी, 25 × 10⁻², तो म्यू नॉट बाय 4π 2 × करंट 20 × 10 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेना है, एफ टू। अभी किया था एनसीईआरटी के असाइनमेंट में सेम ही किया था, फिर बड़ी में से छोटी फोर्स को क्या कर लेना है, माइनस ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑप्शन गिवन होगा नेट फोर्स का अप्लाई कर लेना, सही है। तो पहले एक, पहले ये वाली वायर इसे रिपेल करेगी, ये वाली वायर से रिपेल करेगी कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप फोर्स अपॉन लेंथ करोगे, फोर्स के डिनोमिनेटर में ये लेंथ आएगी और राइट साइड पे ये लेंथ आएगी। क्या ये मेथड भी क्लियर है, अगर ऑब्जेक्टिव इस टाइप का आएगा तो हो जाएगा सॉल्व ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर के अंदर मिल जाएगा ये आपको। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मान लो आपके पास पी क्यू आर वायर है, करंट पी से लेके क्यू से लेके आर तक है, आपको फोर्स निकालनी है पी क्यू में और फोर्स निकालनी है क्यू आर में, और फिर दोनों फोर्स को डिवाइड कर देना है और रेशियो बतानी है क्या, ऑब्जेक्टिव में चार ऑप्शन गिवन होंगे रेशियो के। तो सबसे पहले अगर फोर्स पी क्यू में बतानी है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, बी आई लेंथ की जगह पी क्यू, और पी क्यू और बी वेक्टर में एंगल कितना है, 90, तो क्या लगेगा, बी आई एल साइन 90, 45 मत लगा देना क्योंकि ये लेंथ है और ये बी है, लेंथ में और बी में एंगल कितना है, 90, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक। और तो ये आंसर क्या आएगा, बी आई लेंथ पी क्यू साइन 90। उसी तरीके से अगर क्यू आर की बात करें तो क्यू आर के अंदर जो लेंथ क्या है, क्यू आर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, राइट है, तो लेंथ क्यू आर है, मैग्नेटिक फील्ड राइट है, इनके बीच में लेंथ में और बी में एंगल कितना है, 45, तो क्या फॉर्मूला आएगा, बी आई लेंथ क्यू आर साइन 45।
बी आई एल साइन 45, क्योंकि लेंथ क्या लेते हैं, करंट के साथ लेते हैं, तो ये लेंथ है क्यू आर और ये बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल 45, तो आपके पास ये आंसर आ गया। पर जब आप डिवाइड करेंगे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले राइट एंगल, क्योंकि रेशियो फिक्स है ना, डिवाइड करेंगे तो क्यू आर और पी क्यू की रेशियो भी लेनी पड़ेगी। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस 45 क्या है, कॉस 45 इज पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू आर, तो कॉस 45 पी क्यू बाई क्यू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस 45 1 बाई रूट 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू आर की वैल्यू आ गई। इस क्यू आर को उठा के यहां पे पुट कर दिया तो मेरे पास ये टर्म आ गई, साइन 45 और रूट 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास फोर्स क्या आ गई, बी आई इंटू पी क्यू, ऊपर क्या आई थी, बी आई इंटू पी क्यू, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, रेशियो 1:1। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट तो सही है, वही है, बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा डिवाइड करके रेशियो आ जाएगी फोर्स की। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है यहां तक। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन है, देयर इज अ स्ट्रेट कंडक्टर ए बी सी, तो एक स्ट्रेट कंडक्टर मेरे को दिखाई दे रहा है, ए बी सी वायर मुड़ रही है, एल शेप वायर है, देख रहे हो एल शेप वायर है, ये रही ए बी सी, 10 एम्पियर 10 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला बोर्ड के अंदर है, फाइंड फोर्स ऑन कंडक्टर ए बी सी। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, पहला अगर कोई स्टूडेंट समझ को याद आ जाए ऑब्जेक्टिव करते हुए कि आप इसमें ए बी सी में याद ना आए, तो स्टूडेंट कहता है पहले मैं ए बी के ऊपर फोर्स निकाल लूँगा फिर मैं बी सी के ऊपर निकाल लूँगा, तो मैंने कहा कैसे, वो कहता है देखो ए बी के ऊपर फोर्स होगी बी आई एल साइन 90, तो मेरे को बी भी पता है 5 टेस्ला, मेरे को करंट पता है और मुझे लेंथ भी पता है 3 सेंटीमीटर, तो फोर्स आ जाएगी बी आई एल साइन 90। तो मैंने कहा डायरेक्शन, कहता है फ्लेमिंग का रूल, बी वेक्टर कैसे है बोर्ड के अंदर, करंट कैसे है नीचे, फोर्स कहाँ आएगी राइट, तो इसके ऊपर फ्लेमिंग का रूल जब लगेगा तो फोर्स वेक्टर राइट आएगी एंड एफ वन का फॉर्मूला होगा बी इंटू आई इंटू लेंथ की जगह 3 सेंटीमीटर साइन 90, एफ वन आ गया। मैंने कहा ठीक है सही है, फिर वो कहता है जी ये भी एक वायर है, इस पर भी फोर्स है और इसकी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, करंट इधर है, तो फोर्स कहाँ आएगी ऊपर, बी अंदर है करंट इधर है फोर्स ऊपर, तो फोर्स कहाँ है ऊपर, कितनी F2 वेक्टर, और F2 का फॉर्मूला मैंने पूछा, कहता बी आई 10 और ये लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये लो साइन 90। तो मैंने कहा आगे तुम्हें तो नेट फोर्स निकालनी है, तो कहता देखो ये और ये दो फोर्सेस आपस में कितने एंगल पर हैं 90, तो फिर नेट आंसर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर इज द आंसर, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, कर सकते हो तुम अलग अलग वायर की अलग अलग फोर्स लगा के वेक्टर सम कर सकते हो। पर एक स्टूडेंट कहता है ये करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे मैंने भी यही किया, क्यों वायर मुड़ रही है, मेरी तरफ से एल ना बनाए गोल मुड़ जाए चाहे, मैंने क्या सिखाया था डिस्प्लेसमेंट ले लो, तो तुम वायर का स्टार्टिंग और एंडिंग ले लो, बात ही खत्म। जब तुम स्टार्टिंग एंडिंग लोगे तो तुम अपनी फोर्स सिर्फ इस पे निकाल दो, तो क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितने सेंटीमीटर आएगा 5 आएगा, तो तुम फोर्स 5 सेंटीमीटर पे लगा दो, तो बी आई एल की जगह 5 सेंटीमीटर साइन 90 एक मिनट में आंसर है। तो अगर तुम भूल गए शॉर्टकट लगाना तो एफ वन एफ टू का वेक्टर सम ले लेना, तुम्हें याद आ गया अगर वायर मुड़ रही है तो तुम स्ट्रेट वे स्ट्रेट फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करके डिस्प्लेसमेंट लेके बी आई लगा देना। समझ में आ रहा है यहाँ तक ये रूल, सेकंड रूल ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से, ना याद आए तो फर्स्ट तो है ही है, वो तो भूल ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है यहाँ तक,
कि कैसे ये रूल लग रहे हैं। जैसे अगर मान लो ये करंट है एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है लूप एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आप इसका एक एलिमेंट ले लें, जैसे ये एलिमेंट ले लें, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, जैसे ये एलिमेंट ले लें, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तो तुम सबसे पहले कहीं पर भी एक फ्लेमिंग का रूल लगा के देख लें फोर्स कहाँ लगेगी। बी वेक्टर जैसे नीचे लगा रहा हूँ, बी वेक्टर कहाँ है? बाहर है, बी वेक्टर बाहर है, इसमें डॉट है, और करंट कहाँ है? इधर है, सेंट्रल फिंगर, और थम नीचे है, बी करंट थम नीचे है, तो थम नीचे है। यहाँ लगा लो बी वेक्टर कहाँ है? बाहर है, करंट कहाँ पर है? इधर है, तो फोर्स कहाँ पर है? ऊपर। तो आप एक देख जहाँ मर्जी लगा लें, फोर्स कहाँ पर आ रही है? बाहर आ रही है, जो लूप को क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी। अगर अंदर आती तो कंप्रेशन हो जाता, तो क्योंकि बाहर की तरफ है तो फोर्स एक्सपैंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? सही, देखना पड़ेगा, फ्लेमिंग का रूल लगा लगा के देखना पड़ेगा। अगर फोर्स बाहर की तरफ है एक्सपैंड है, अंदर की तरफ है तो कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन के अंदर, क्या किया? एक लूप ले लिया और ये करंट कैरिंग लूप है, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट है। इस बार मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है ये बाहर, ये फोर्स नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी नॉट, हर तरफ रेडियल आउटवर्ड है। अब वो कह रहा है ये बताओ कि इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी लूप पे, बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर चेक करें। तो तुम कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो ये मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, ये रहा, जिसमें करंट ऊपर है, बी वेक्टर कहाँ पर है? ऐसे है, मेरी तरफ है, ऐसे है, बच गए, ठीक है। बी वेक्टर कहाँ पर है? ऐसे है, करंट कहाँ पर है? ऐसे है, तो फोर्स कहाँ पर है? बोर्ड के अंदर, ठीक है। छुट्टी हो जाए, बी बी वेक्टर ये रहा, करंट ऊपर है और फोर्स कहां पर है? बोर्ड के अंदर है। और वैसे भी अगर बी वेक्टर बोर्ड के ऊपर है तो फोर्स कभी बोर्ड के ऊपर आ ही नहीं सकती, उसके परपेंडिकुलर होगी, अंदर या बाहर होगी। और अगर बी वेक्टर अंदर या बाहर है तो फोर्स अंदर बाहर नहीं होगी, बोर्ड के ऊपर होगी, परपेंडिकुलर है ना। तो समझ में आ रहा है यहां तक क्या आंसर है इसका? तो इसके अंदर इनवर्ट है, इनवर्ट का मतलब मैंने क्रॉस लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट सेमी सर्कल है, ये रहा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल तो आपको आता है करना, कैसे? मैंने कहा सेमी सर्कल है, इसमें करंट कैरिंग वायर है, तुम क्या इस पे फोर्स लगा सकते हो? तुमने कहा हाँ। कैसे? इनके एंड को ज्वाइन कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो लेंथ क्या है डिस्प्लेसमेंट की? 2R, 2R। तो मैंने कहा फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, तुमने कहा बी आई एल साइन 90 और लेंथ की जगह 2R। फिर मैंने पूछा बी क्या पुट करूं? अब प्रॉब्लम यह है कि बी तो मैंने बांट दिए, आधा बी बी नॉट है, आधे में 2B0 है, तो तुम क्या बी लोगे? बी नॉट के 2B0, अब गड़बड़ हो गई। तो यानी कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म होता फिर तुम शॉर्टकट लगा सकते थे कि बी तुम्हारे पास एक ही वैल्यू थी, तो बी आई इंटू 2R। पर क्योंकि यहाँ पर क्या है, आधे रीजन में बी नॉट है, आधे रीजन में 2B0 है, आधे में बी नॉट है, आधे में 2B0 है। अब तुम इस पे डायरेक्ट शॉर्टकट लगा नहीं पाओगे, तुम इसे क्वाड्रेंट लेके सॉल्व करोगे। अब जिस रीजन में बी नॉट है से अलग करोगे, जिसमें 2B0 है से अलग करोगे। ये देखो ऐसे किया, जिस रीजन में बी नॉट है, अब मैं इसे ज्वाइन कर सकता हूँ क्योंकि इस रीजन में तो शॉर्टकट कैन बी अप्लाइड, क्योंकि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है और इस रीजन में 2B0 है, तो मैं इसका अलग निकाल लूंगा, ये मेरा शॉर्टकट है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या ली? यहाँ ली डिस्प्लेसमेंट, मैंने यहाँ पर ले ली। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट मैंने कैसे ले ली, राइट? मैं पूरी नहीं ले पा रहा, पूरी ले सकता था अगर मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में सेम वैल्यू रखता, पर जहां जहां उसने बी नॉट वैल्यू रखी मैंने वहां ज्वाइन कर लिया, जहां 2B0 रखी मैंने वहां ज्वाइन कर लिया। अब इसके अंदर अगर ये रेडियस आर है, ये आर है, तो ये √2R है,
तो इस वायर पे फोर्स क्या लगेगी? बी नॉट आई रूट टू आर, डिस्प्लेसमेंट रूट टू आर साइन 90, एफ वन आ गया, बी आई एल साइन 90, बी की जगह बी नॉट, मैं इस रीजन को सॉल्व कर रहा हूँ, करंट तो आई ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रूट टू आर साइन 90। फिर मैं इधर अगर इधर की बात करूँ तो बी की जगह टू बी नॉट, टू बी नॉट, करंट की जगह आई और डिस्प्लेसमेंट की जगह रूट टू आर, तो टू बी नॉट आई रूट टू आर साइन 90। तो एक फोर्स एफ वन आ गई, एक फोर्स एफ टू आ गई, पर हमें तो पूरे लूप की नेट फोर्स निकालनी है। अब नेट फोर्स के लिए क्या करें, वेक्टर्स डायरेक्शन देखें। जब मैंने ये डिस्प्लेसमेंट ली और करंट तो ऐसे आ रहा है, तो मैं अपने मन में सोचूंगा करंट ऐसे आ रहा है मन में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में ऐसी की बजाय ऐसे ही लूंगा। फ्लेमिंग का रूल, बी बोर्ड के अंदर है, करंट ऐसे जा रहा है, तो फोर्स कैसी लगेगी? परपेंडिकुलर, ये रही एफ वन वेक्टर। और ऐसे यहां पे देख लें, यहां पे नीचे की तरफ करंट आ रहा है, तो इस एरो में नीचे बना लें एरो, तो बी बोर्ड के अंदर है, करंट ऐसे है, तो फोर्स कैसे? ऐसे परपेंडिकुलर। तो एफ वन वेक्टर एफ टू वेक्टर की लाइंस को कहीं भी ज्वाइन कर लो, एंगल क्या बनेगा इनके बीच में? 90। तो आपने एफ वन एफ टू निकाल लिया, तो नेट आंसर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर के साथ आंसर आएगा इसका। तो ये रूल समझ में आ रहा है कि कैसे रूल लग रहे हैं इसमें। तो अगर पूरे में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो आधे आधे में लगाना पड़ गया, इसकी फोर्स अलग, इसकी फोर्स अलग, इसकी फोर्स की डायरेक्शन अलग, इसकी फोर्स की डायरेक्शन अलग, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, फिर वेक्टर सम। एनसीईआरटी तो नो ही है, लग शक्ल सी लग रहा है एनसीईआरटी का, कहाँ लग रहा है क्वेश्चन? अगर ये एनसीईआरटी आ गई तो फिर तो सारे इसरो में जाएंगे या नासा जाएंगे, मैं बता रहा, इससे कम नहीं टिकेंगे। और क्या है यार, ये क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे एनसीईआरटी में? नहीं हो सकते यार, बहुत बच्चों ने पेपर देना है। बट समझ में आ रहा है यहाँ तक? जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये शेप गिवन नहीं है, शेप गिवन होनी चाहिए। मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मान लो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 1 मीटर कर लो, इसमें 1 मीटर का स्क्वायर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? रूट टू स्क्वायर बोला मैंने, तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा ना, रूट टू। तो मेरा क्वेश्चन है, और हर इसमें जो करंट है, जो करंट है बी, इसमें 4 टेस्ला गिवन ही है, 4 टेस्ला है, करंट कर लो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, यहाँ पे भी 2 एम्पियर, यहाँ पे भी 2 एम्पियर। आपको तीनों वायर की नेट फोर्स निकालनी है, क्या होगी तीनों वायर्स की? सॉल्यूशन को कैंसिल कर देते हैं, क्वेश्चन मैंने चेंज किया है, क्योंकि अब अगर मैं वायर पहले सीडी की बात करता हूँ, पहले बोलो सीडी वायर, सीडी की फोर्स क्या होगी? बी आई एल साइन 90, ठीक है ना, सीडी तो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो बी आई एल साइन 90, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। अब ये बताओ कि इस वायर का क्या करें? डिस्प्लेसमेंट ले लो, क्योंकि वायर लंबी है, मुड़ रही है, तो आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लो, और डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या आ गई? सीडी, तो फोर्स की वैल्यू भी आ गई सेम। और तुम अगर ये लेते हो तो इसके लिए भी क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या आएगी? सीडी। तो क्यों ना ऐसा करें, तीनों वायर्स के लिए रिजल्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दें। सही है यहां तक? क्योंकि इस वायर का जो आंसर है वही आंसर इसका, वही आंसर इसका होगा, तो इंटू 3 कर देना आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है। जैसे एक करंट कैरिंग वायर है, इसके सामने एक और करंट कैरिंग वायर है, किया था हमने लास्ट टाइम, और मैंने पूछा था, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि अगर ये करंट कैरिंग वायर के सामने करंट कैरिंग वायर है, बताओ इसकी मोशन क्या होगी? तो आपने आंसर दिया था ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। मैंने पूछा था कैसे, तो आपने कहा था यहां पर बी की वैल्यू इस तरफ डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फोर्स यहां पर ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, तो इसकी मोशन कैसी होगी? ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, ये बात हुई थी हमारी। लेकिन आपने ये नहीं बताया था इसके ऊपर फोर्स होगी क्या, बट बात करके खत्म करके घर चले गए थे, फोर्स ऐसी होती है, ऐसे ऐसी ज्यादा कम होती है। अब क्वेश्चन है इस पूरी वायर पे ये वायर फोर्स लगाएगी क्या?
अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ फोर्स ज़्यादा, कम 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 कम, तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और कोई तरीका ही नहीं है। तो तुम्हें ये डिस्टेंस ए बाई टू गिवन है और ये डिस्टेंस ए गिवन है। तुम्हें काम करो, इस वायर की वजह से यहाँ पर एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स एक छोटी सी लेंथ लो डी एक्स। तो आपने एक पूरी वायर मत लो, स्मॉल लेंथ लो डी एक्स। ये इनफाइनाइट वायर एक्स दूरी पे यहां पर बी लगाएगी म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई बाई एक्स। बी लगा दिया तो इस छोटी सी लेंथ के ऊपर, और ये बी की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, इनवर्ट्स, करंट ऊपर है तो इनवर्ट्स। तो इसमें स्मॉल एलिमेंट की लेंथ डी एक्स है, तो स्मॉल फोर्स क्या लगेगी, बी आई लेंथ डी एक्स साइन 90। बी की वैल्यू पूरी की पूरी यहां पर पुट कर दें, अब इंटीग्रेट करें टोटल फोर्स के लिए। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगेगी, पहला एलिमेंट ये होगा, आखिरी ये होगा, तो इससे ये दूरी है कितनी, a by 2, और आखिरी दूरी कितनी है, a plus a by 2 कितना होता है, 3 a by 2। तो लिमिट चेक करो, a by 2 से लेके 3 a by 2, फिर एक बार 1 by x की इंटीग्रेशन log x है, a by 2 से लेके 3 a by 2, एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, तो log a माइनस log b इज log ऑफ a अपॉन b, 3 a by 2 कैंसिल करके ऑब्जेक्टिव में ऐसा आंसर दिखेगा। तो इंटीग्रेशन से फोर्स कैसे कैलकुलेट करनी है ये भी समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। जैसे आपको एक वायर गिवन है, पैराबोलिक वायर गिवन है, पैराबोलिक वायर में वाई स्क्वायर टू एक्स, फिगर गिवन है, ये रही फिगर, ये रही 2.2 से लेके 2.-2 तक वायर जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है, आपको इसमें करंट पता है 2 एम्पियर है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, और मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नेटिक फील्ड का, 4 टेस्ला, आपको फोर्स बतानी है। तो आप क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वायर घूम रही है ना, तो टेक डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में इसकी लेंथ क्या होगी, ये 2 मीटर, 2 मीटर, तो टोटल मीटर कितना हो गया, 4 मीटर, तो बी आई एल साइन 90 आंसर। पर प्रॉब्लम ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में गिवन है, आपको आंसर वेक्टर में निकालना है, स्केलर में होता तो बी आई एल साइन 90 डन था, तो आपको वेक्टर में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आई इन टू एल क्रॉस बी। अब आई की वैल्यू पता है 2, आपको एल वेक्टर क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नीचे की तरफ, नीचे क्यों लेना है कोई बताएगा, क्योंकि करंट नीचे आ रहा है, तो नीचे 4 मीटर है, 4 के पीछे क्या लगेगा, माइनस जे कैप नीचे है, और बी वेक्टर तो गिवन ही है, माइनस माइनस प्लस है, जे क्रॉस के आई कैप है आंसर। हाँ, आप मैग्नीट्यूड निकाल के रूल लगा सकते थे, कर सकते हो जो आप कहने लगे थे, मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा वो करना, हो जाएगा फिर ये ठीक है, ये भी सीख लेना चाहिए, अगर वो काम कर गया स्केलर में तो ठीक है, नहीं किया तो ये मेथड तो है ही है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये वायर गई, सेमी सर्कल हुआ और वायर आई, इसमें करंट है, इसके अंदर जो फोर्स लगेगी बी आई एल साइन 90, और डायरेक्शन क्या होगी, बी बोर्ड के अंदर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स कहाँ है, लेफ्ट, फोर्स की वैल्यू लेफ्ट। इसके अंदर भी बी बोर्ड के अंदर है, करंट नीचे है, फोर्स कहाँ है, राइट। तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये जीरो हो जाएगी। पर अब क्या बचा, सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल है उसमें करंट कहाँ जा रहा है, राइट। पर सेमी सर्कल के केस में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ऐसी, और क्योंकि करंट यहाँ आ रहा है तो अपने मन में डिस्प्लेसमेंट में भी करंट इधर लेके जाएंगे, और ये डिस्टेंस कितना है, 2r, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगी, बी आई 2r साइन 90, और डायरेक्शन कहाँ लगेगी, बी बोर्ड के अंदर है, करंट इधर है, तो फोर्स कहाँ है, ऊपर, बी बोर्ड के अंदर है, करंट इधर है, फोर्स ऊपर, आंसर। तो डायरेक्शन भी आ गई और वैल्यू भी आ गई। और इसमें लास्ट क्वेश्चन ये रहा, वो आपको डराने के लिए ऐसी बात करेगा, एक वायर है जो कि ना वेव की इक्वेशन फॉलो कर रही है, ये रही वेव की इक्वेशन और ये रही वेव की इक्वेशन जिसमें करंट है। तुम कहोगे यार वेव तो आता नहीं, छोड़ के आए, छोड़ यार, क्वेश्चन नहीं होता, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, तुम्हें क्या निकालना है, इससे फोर्स निकालनी है, फोर्स क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ले लो, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लैम्डा,
तो बी आई लैम्डा इंटू साइन 90 आंसर डन। वो तो इक्वेशन इक्वेशन कुछ करना ही नहीं है, बस वायर की शेप लो, डिस्प्लेसमेंट लो, डन आंसर बी आई एल साइन 90।